सोमवार को श्रावण पूर्णिमा पर ब्राह्मण समाज संगठन मूसाखेड़ी इंदौर द्वारा श्रावणी उपाकर्म समारोह विधि विधान से संपन्न हुआ। ब्राह्मण समाज संगठन मूसाखेड़ी के अध्यक्ष पंडित द्वारका प्रसाद पाठक ने बताया कि भूदेवों ब्राह्मणों का मुख्य त्यौहार श्रावणी उपाकर्म में विद्वानों के मार्गदर्शन में दशविधि स्नान, सप्तर्षि पूजन, यज्ञोपवीत धारण, प्रायश्चित कर्म आदि वैदिक पद्धति से संपन्न हुए। श्री श्री 1008 श्री उमेश दास जी महामंडलेश्वर के सानिध्य में आयोजित यह समस्त कार्यक्रम उज्जैनी नर्मदा क्षिप्रा संगम इंदौर पर संपन्न कराए गए। कार्यक्रम के संरक्षक पंडित बी के शर्मा, संयोजक पंडित विनोद शास्त्री, कार्यकारी अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र रिछारिया, सचिव पंडित मनोज पांडेय, कोषाध्यक्ष पंडित जसराज शर्मा, मीडिया प्रभारी पंडित अंकित पाठक के संयोजन में सभी विधियां पूरी करवाई गई। केंद्र जी की शर्मा जी की पूरी टीम हमारे बीच में है, अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पाठक जी, आचार्य विनोद शास्त्री जी और हमारे संरक्षक बी के शर्मा जी, आचार्य महोदय जी जो प्रतिवर्ष यहाँ, राजेश शास्त्री जी जो प्रतिवर्ष के लिए यहाँ पर नियुक्त हैं, जो बड़े आमोद प्रमोद के साथ यहाँ पर ये कर्म संपन्न करवाते हैं। तो आज के दिन हम यही कहेंगे कि जैसे ब्राह्मण समाज का मूसाखेड़ी संगठन कार्य कर रहा है, ऐसे सभी ब्राह्मण समाज के जो संगठन हैं इस प्रकार का कार्य करें जिससे हमारी लौकिक संस्कृति बचे, क्योंकि यह श्रावणी पर्व हमको जल की महत्वता, वृक्ष की, नदियों की, साथ में हमारे संस्कारों की सभी महत्वता को बताने वाला महापर्व है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। खास और चुनिंदा खबरों के लिए देखते रहिए दोपहर न्यूज़।